हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ मेरी वीडियो में। तो काफ़ी दिनों से बहुत कम वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, कारण सिर्फ एक ही है कि आरबी क्लर्क और आरबी पीओ मेंस बहुत पास है और थोड़ा मैं अपनी जीके और इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ। जीके में मैंने कम काम किया था पहले, उन पर काम कर रहा हूँ मैं और उनको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसी बीच मैं आईबीपीएस पीओ के प्री के मॉक्स भी दे रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ सब है, तो इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि पता चले फिर इनका प्री नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने आईबीपीएस पीओ के प्री मॉक्स लगा रहा हूँ, और मैं मॉक्स लगा रहा हूँ बेसिकली, मैं बता रहा हूँ कौन से वाले ऑली बोर्ड के मॉक्स लगा रहा हूँ। मैं लगा रहा हूँ 2021 वाले, 2022 वाले भी हैं, 2021 वाले जो लगा रहा हूँ वो लगा, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लगाए थे तो मेरे पास पहले वाले भी पड़े हुए हैं। और ये लगाने का एक और इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो क्या कहते हैं, ये वाले मॉक से बहुत सारे लोगों ने दिए, जैसा अगर आप देख सकते हो ये वाला मॉक लगभग 27,000 लोगों ने लिया, जो कि 2022 वाले में कम लोगों ने दिया होगा। तो इसमें आपको अच्छी खासी आपकी रैंक पता चलती है, परसेंटाइल पता लगती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं स्कोर। देखो मैं आपको तीन मॉक दिए, मैं तीनों का स्कोर दिखा देता हूँ। मैं आपको पहले का मैं आपको दिखाई चुका हूँ, सबसे लेटेस्ट से दिखा रहा हूँ। ये थर्ड मॉक है, थर्ड मॉक में मेरे आए 84.75 नंबर, 15th रैंक आई है 27,000 लोगों में से। बाकी आप अगर सेक्शनल रैंक बात करें, मेरे इंग्लिश में आए नंबर देखते हैं पहले, तो नंबर आए इंग्लिश में 30 में से 18.5, 18.25, मैथ्स में है शायद 35 में 32.75, और रीजनिंग में है 35 में से 33.75। टोटल स्कोर है 84.75 आईपीएस पीओ प्री का मॉक है। इंग्लिश में रैंक 6,277, मैथ्स में 6 और रीजनिंग में 54, ठीक है जी। तो बाकी टाइम भी आप देख सकते हो, मैंने लगभग 20 सेकंड पहले ही सेक्शन ख़त्म कर लिया था। मैथ्स में भी 30 सेकंड बच गए थे, इसे भी 30 सेकंड बच गए थे, वो मैंने छोड़ ही ले दिया क्योंकि मुझे पता था कि वो होना ही नहीं है सॉल्व। रीजनिंग में सारे क्वेश्चन हो गए थे लगभग, मैथ्स में शायद मैंने एक छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये था पहला मॉक, दूसरे मॉक की बात करते हैं। उसके सेकंड मॉक ये इससे पहले दिया था मैंने, इसमें आप देख सकते हो मेरा स्कोर है 80.75, 28 तरह का, 30,000 लोगों ने दिया है। सेक्शनल की बात करें फिर से भाई, मार्क्स इंग्लिश में आए 21.25, मैथ्स में 31.75 और रीजनिंग में 27.75। सेक्शनल रैंक देख सकते हो 1505, 33, 566, ठीक है। टोटल रैंक है ये 28। तो ये है आपके पास आईबीपीएस पीओ प्री 2021 का सेकंड वाला मॉक है, और सबसे पहला मॉक ये मैंने काफ़ी टाइम पहले दिया था, मुझे याद भी नहीं कब दिया था, और इसमें मेरे स्कोर थोड़े कम हैं क्योंकि शायद देखते हैं इसमें क्या गलतियाँ हुई, मेरे से चेक करते हैं। रैंक मेरी 202 रैंक है 46,000 लोगों में से, ठीक ठाक है, परसेंटेल भी ठीक ठाक है, बेकार नहीं है 99.56, बट बेटर हो सकती है। कहाँ गलतियाँ हुई मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखियो ये दोनों ठीक है पोर्शन जो मेरे हैं वैसे ही हैं बिल्कुल। मैथ में यहाँ पर मेरे से गलती होती है, इसमें शायद एक केसलेट था, चेक करते हैं कुछ था उसमें। पहले स्कोर बता देता हूँ आपको, जैसे स्कोर मेरा इसमें आया है 21.5, 20.25 और 26.25, ठीक है। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन, इसमें गलतियाँ कहाँ हुई, इसमें कम नंबर क्यों आए। देखो आपको बहुत तगड़ी चीज़ पता चलेगी अभी, देखो एक दो मिनट रुको, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको शायद, हाँ ये वाला था केसलेट, ये देखो ठीक है। इस केसलेट में टाइम लगाया, आप देख सकते हो कितने 3 मिनट से ऊपर, इसे मेरे 4-5 सवाल आसानी से हो जाते इस टाइम पे, और फिर भी मेरा निकला नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से। तो हमेशा याद रखना है केसलेट हमेशा लास्ट में ही करना है, क्योंकि जैसे पज़ल बनती है लास्ट में, तो केसलेट भी हमेशा लास्ट में बनना भी है। केसलेट मेरे लगभग 3.5 मिनट ख़राब करके चला गया और मेरे से हुआ भी नहीं। उसके बाद ये अगले क्वेश्चन में भी देखो 3.5 मिनट नहीं, ये देखो 3.5 और ये कितने हो गए, लगभग 6 मिनट मेरे केसलेट में ख़राब हो गए, और कारण ये एक छोटी सी गलती पढ़ ली मैंने और वो पूरा टाइम ख़राब हो गया। क्योंकि आप 3 मिनट दे चुके हो, आपका ऑलमोस्ट केसलेट बनने वाला, आप ये तो नहीं सोचोगे कि आप हट जाओ बैकआउट कर जाओ, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपको देखा जाएगा, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, धड़ाके से आंसर निकल जाएगा, बट वो तो करना पड़ता था ना वहाँ पे। तो ये गलती नहीं करनी, हमेशा याद रखना केसलेट सबसे लास्ट में करना, सबसे लास्ट में केसलेट करना है मैथ्स में, सबसे लास्ट में, अर्थमेटिक के भी बाद में केसलेट करना है। क्योंकि कई बार केसलेट में ऐसी स्टेटमेंट देते हैं वो आपको बहुत बुरी तरह फंसा देती है, और वो गलती भी हो सकती है उस स्टेटमेंट में आपसे, और उसमें टाइम बहुत लग सकता है, ठीक है। तो यही थे मेरे तीन मॉक्स मैंने लगाए हैं अभी आईबीपीएस पीओ के प्री के। तो आप भी मॉक्स लगाते रहो, जिनका आरआरबी पीओ या क्लर्क प्री भी है वो भी टाइम निकाल के मॉक्स लगाते रहो, इंपॉर्टेंट है यार ये भी, ठीक है। बाकी जिन्होंने ये वाले मॉक दिए हुए, जिन्होंने भी ये वाले मॉक लगाए हुए हैं 2021 वाले,
तो आप कमेंट कर सकते हो आपका स्कोर नीचे क्या रहा इनबॉक्स में। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, बाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।